तो हेलो दोस्तों, देखो हमारे पीछे भगवान है गणपति जी। पहले गणपति जी का पांव छुए कभी भी शुभ काम करने से पहले। तो आज शुभ काम ये करने वाला हूँ, आप लोग को मालूम तो चली गया मैं आज क्या बना रहा हूँ। सेफ कोर्ट में खाना ही बनाएगा, बराबर ना? तो आज हम बनाने जा रहे हैं, हम सब लोग बनाएंगे, आप भी बनाओगे मैं भी बनाऊंगा। तो आज हम बनाएंगे ग्रीन थाई करी विथ बेसिल राइस, ओके। तो आप लोग को मैं बताता हूँ कि देखो हर किसी का बनाने का स्टाइल अलग होता है, रेसिपी अलग होता है, मेरा भी रेसिपी है। आप लोग खुद देखो, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करोगे ना आपको मजा आएगा ही नहीं। तो जो आज मैं थाई करी बनाने वाला हूँ, ग्रीन थाई करी विद बेसिल राइस, आपको देख के ना मुंह में पानी नहीं आना तो फिर पैसा वापस कर दूंगा। देखो ना, कहावत होती है ना कि अगर खाने में मजा नहीं आता पैसा वापस करूंगा। तो वही आज हम बनाने वाले हैं, ग्रीन थाई करी विद बेसिल राइस। तो आप लोग वहां पे मत देखो, आप लोग यहां पे आ जाओ, मैं आप लोग को यहां पे बना के दिखाता हूं, ओके। पहले अभी हम लोग काटेंगे पोकचाई, जिसका नाम है पोकचाई। पोकचाई इसको एक्चुअली बोलते हैं, ये पोकचाई है हमारा। तो पोकचाई का हम लोग पहले काट लेते हैं, ओके। और ये अपना रहा चाइनीज कैबेज, जिसको हम चाइनीज कैबेज बोलते हैं, यही चाइनीज कैबेज है। और आप लोगों को पता है कि अगर आप थाई ग्रीन थाई करी बनाते हो, ग्रीन थाई करी विथ स्टीम राइस चाहे अपना बेसिल राइस, ये सब चीज़ जाना जरूरी है, क्योंकि इसमें लोग बोलते हैं इंग्लिश वेजिटेबल, और इंग्लिश वेजिटेबल नहीं आता है। अब काटेंगे हम येलो जुगनी, जो कि हमारा येलो जुगनी है, इसको मस्त टाइस में कटिंग मारने का, ओके। असल में कटिंग होता है आपको मालूम पड़ जाएगा, ये हमारा कटिंग है, ओके। ये येलो जुगनी बोलते हैं इसको। अब इसमें काटेंगे ग्रीन जुगनी, ओके। अब हमारा है ये ग्रीन जुगनी। आप लोग भी सोचते रहेंगे कि क्या क्या कटिंग होता है, लेकिन जो होटल में काम करते हैं उनको अच्छे से मालूम है कि इंग्लिश वेजिटेबल का मतलब क्या होता है। हाई क्वालिटी की इसमें प्रोटीन होता है, ओके। तो ये हमारा ग्रीन जुगनी हो गया। अब इसमें काटेंगे ब्रोकली, ये हमारा ब्रोकली है। अब ब्रोकली को कटिंग कर, ब्रोकली आप ये चलो हमारा ब्रोकली को भी कटिंग कर लिया, ओके। ये हमारा सैलरी है, जो कि हम सैलरी इसको बोलते हैं, ओके। और सैलरी देखने में कैसा होता है आपको बताता हूँ। सैलरी को इसको बोलते हैं, अगर ऐसा रहेगा तो सैलरी हमारा ये है और ये हमारा सैलरी है, ओके। चलिए हमारा ये थाई जिंजर, इसको भी बोलते हैं थाई जिंजर, ओके। अब इसको कटिंग करते हैं, बहुत हार्ड रहता है कटिंग करने में, ओके। ये देखो कितना कड़क है, जल्दी चाकू से कटता नहीं, ओके। तो ये हमारा थाई जिंजर है, बहुत हार्ड रहता है, ओके। इसको मैं स्लाइस में ही कटिंग कर लूँगा, ऐसा ही स्लाइस कटिंग रहने देगा, ओके। पर रहा थाई चिली, जो कि हम डाइस में इसको भी कटिंग कर लेंगे, ये थाई चिली को, ओके। ये हमारा मशरूम है, मशरूम को भी स्लाइस कटिंग कर लेंगे, ओके। ये मशरूम को कटिंग हो गया, ओके। लेमन, ये हमारा रहा लेमन ग्रास, जो कि इसको भी एकदम बड़ा बड़ा कटिंग कर लेंगे, ओके। तो लेमन ग्रास से कटिंग करके दिखाता हूँ, इतना ही बड़ा रहने देने का, ओके बस। और नींबू को भी स्लाइस मार लूँगा, क्योंकि थाई करी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नींबू रहता है, ओके। नींबू को मैं स्लाइस कटिंग कर लेता हूँ, इसको ऊपर से निचोड़ेंगे। उसके बाद मेरा फाइनली है हमारा कोकोनट मिल्क पाउडर, जो कि इसको लिक्विड बनाने का है मेरे को पानी डाल के, ओके। तभी आ जाओ, अब मैं मार के दिखाता हूँ कैसा मारने का है। इसमें एक और चीज़ आता है बेसिल, ओके। ये हमारा बेसिल लिप्स है, अब इसको भी मैं काट काट के डालूंगा। एक्चुअली हाथ से तोड़ने का रहता है, चाकू से नहीं काटने का ना, तो इसका पूरा फ्लेवर निकल जाएगा, ओके। इसको चाकू से नहीं बल्कि हाथ से तोड़ के डालेंगे, ओके। ये हमारा इसमें कोकोनट मिल्क हो गया, अब इसमें पानी डाल के अच्छे से मैं मिक्स कर देता हूँ, ओके। चलो तो अभी मैं आ जाओ रेंज पे, मैं मार के दिखाता हूँ कैसे मारते, ओके। तुम भी है एक्चुअली, हम लोगों ने काटा नहीं, ओके। पहला नंबर हम इसमें बेसिल डालेंगे, उसके बाद में राइस डालेंगे, ओके। ये हमारा राइस है, ओके। तो हम लोग राइस डाल लेते हैं। ये हमारा बटर है, ओके। बटर से रोस्ट करने के अपना बेसिल राइस, सॉल्ट डालेंगे, उसके बाद में इसमें शुगर डालना जरूरी है, शुगर जरूर डालने का, ओके। चलो तो ये हमारा राइस को इसमें हम लोग डाल देते हैं, ओके। तो ये हमारा गार्लिक हो गया, जिंजर के इसमें ऐड करेंगे, ये जो थाई जिंजर को ऐड करेंगे। उसके बाद में रोस्ट करेंगे, और इसमें जिंजर चॉपर डालेंगे, वेजिटेबल है सब, वेजिटेबल इसमें ऐड करेंगे, ये हमारा वेजिटेबल है, ठीक है। अच्छे से रोस्ट करने का, ओके, 20 मिनट तक रोस्ट करने का। तो ये हमारा पालक पेस्ट है, जो कि पहले सब पेस्ट कर रखे हैं, अब इसमें मैं डाल दूँगा। ग्रीन करने के लिए पालक पेस्ट सबसे जरूरी है, मैं ग्रीन फ्राई करेंगे, ओके। आप करेंगे स्टोक वाटर, जो का स्टोक वाटर है, स्टोक वाटर की यूज करेंगे, ग्रीन थाई करी, जो हमारा ग्रीन थाई करी इसमें यूज करेंगे, ओके। ग्रीन थाई रहा, ओके। ग्रीन थाई करी इसमें डाल लेते हैं, ओके। अभी क्या डालें? चलो अभी उसके बाद में ढेर सारा शुगर डालना है, ओके। ये हमारा शुगर है, उसके बाद में मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, ओके। अब इसमें फाइनली हम लोग को डालना है अपना कोकोनट मिल्क पाउडर, ओके। ये हमारा कोकोनट मिल्क पाउडर ढेर सारा डाल दिया इसमें, हमारा थाई करी रेडी हो चुका है। अब ज़्यादा कुछ करने का ताम झाम जरूरत नहीं है, इसको मिक्स करेंगे ऊपर से नहीं। इसमें फाइनली हमको डालना है बेसिल पत्ता, ओके। हमारा बेसिल पत्ता को अच्छे से, ताकि फ्लेवर अच्छे से मेल्ट हो जाए, ओके। ये इसको हाथ से तोड़ के इसमें डाल दिया,
अब कुछ करने का नहीं, इसमें कॉर्नफ्लोर मारना है आपको। पहले से मेरा कॉर्नफ्लोर रेडी में डाल देता हूँ, ये हमारा कॉर्नफ्लोर है ओके। अब इसमें कॉर्नफ्लोर में डाल दिया, ये हमारा थाई करी रेडी हो गया ओके। अब इसमें लास्ट में आपको क्या करना है, गैस को बटन बंद करके और इसमें नींबू निचोड़ना है। क्यों नींबू निचोड़ना है, अगर हाई फ्लेम पे नींबू निचोड़ेगा तो पूरा फट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर है ओके। इसको बंद करके फिर इसमें नींबू निचोड़ना, नींबू है अब इसको निचोड़ देने का ओके। देखो डाला तो फट गया ना, अगर यही हाई फ्लेम पर डालोगे तो पूरा फट जाएगा ओके। ये थाई करी हमारा रेडी हो गया, आज थाई राइस इधर रेडी हो गया ओके। ग्रीन थाई राइस, ये हमारा ग्रीन थाई राइस है, और ऊपर से हम लोग गार्निशिंग इसको मार देते हैं ओके। ये ब्रोकली भी दिख रहा है बराबर। फाइनली हमारा थाई ग्रीन थाई करी रेडी हो गया, अभी इसका लुक देखो जबरदस्त लग रहा है ना, तो अब थाई राइस खाने लायक रेडी हो गया। अभी इसको मैं रेस्टोरेंट में भेज देता हूँ ओके। तो चलो, अगर अब मेरे चैनल पर नए रहो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।